जी नमस्कार, मैं अभिषेक पांडे और भारतीय राजव्यवस्था पे ये मेरा नवा वीडियो है। आपने इसके पूर्व वाले वीडियो में यानी भारत परिषद अधिनियम 1909 में ये देखा था कि मुस्लिमों को सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया, यानी अंग्रेजों का ये कॉन्सेप्ट था कि किसी भी तरीके से फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई जाए। काफी हद तक सिद्ध हुआ, लेकिन पूर्ण रूप से आप नहीं कह सकते कि उन्होंने बहुत जैसा उनका जो माइंड सेट था उसको पूरा उन्होंने कर ही दिया। इसके साथ साथ जो केंद्रीय विधान परिषद बनाया गया था उसके सदस्यों की भी संख्या को काफी उसमें वृद्धि किया गया 1909 के अधिनियम के माध्यम से। लेकिन एक चीज था जो केंद्रीय विधान परिषद की संख्या को बढ़ाने के बाद भी कहीं ना कहीं 1909 का जो अधिनियम था वह भारतीयों को बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं कर पाया। हालांकि अगर हम बात करें इसके पूर्व के बहुत सारे ऐसे एक्ट आए थे जिस एक्ट के असफल होने के बाद ही नेक्स्ट एक्ट बना था। ज्यादातर एक्टों का यही प्रावधान था। आप शुरुआत से अगर एक्ट के बारे में अगर देख लें तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट असफल सिद्ध हुआ, तो फिर 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट वो असफल सिद्ध हुआ, तो 1784 का क्विट्स इंडिया एक्ट, फिर चार्टर्ड एक्ट 1786, चार्टर्ड एक्ट 1793, उसके बाद 1813 का चार्टर्ड एक्ट, और फिर आया भारत शासन अधिनियम 1833। 1833 के बाद 1853 का अधिनियम, 1858 अधिनियम, 1861 अधिनियम, और फिर 1873 अधिनियम, और फिर 1876 का जो उपाधि अधिनियम आया था। उसके बाद 1892 में एक अधिनियम आया था जिसे भारत परिषद अधिनियम कहा गया, वो असफल सिद्ध हुआ, तो फिर 1909 का अधिनियम लाया गया। हालांकि ये भी अधिनियम कहीं कुछ ज्यादा ग्राउंड लेवल पे काम नहीं कर पाया, और इस अधिनियम की असफलता के बाद जो अधिनियम आया जिसे कहा जाता है 1919 का अधिनियम। 1919 के अधिनियम आने से पूर्व जो अधिनियम में क्या कमी थी, एक तो स्वराज की जो मांग थी भारतीयों की उसे पूर्ण नहीं कर पाए। अगर हम देखें तो सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र का दे देना, मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी का एक साथ समझौता कर लेना, तीसरा मेसोपोटामिया आयोग का गठन कर देना, ये तीन कामों ने कहीं ना कहीं अंग्रेजों को असफल सिद्ध कर रहा था। अंग्रेज इसमें कुछ ज्यादा सफलता नहीं कर पा रहे थे सिद्ध, क्योंकि अंग्रेज की जो माइंड सेट था इस कार्य को लेकर के वो कुछ ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा था, क्योंकि अंग्रेजों ने इससे ज्यादा अपेक्षा कर रखा था। दूसरे फेज में अगर हम देखें तो 1914 से लेकर के 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार, और इस फर्स्ट वर्ल्ड वार में अंग्रेजों को भारतीयों का सहयोग चाहिए था, और भारतीय भारतीयों के सहयोग के लिए अंग्रेजों ने तमाम सारे दिमाग में अपने रचनाएं बुनना शुरू कर दी ताकि किसी तरीके से इनका हम उपयोग करें। और अब तक इनको ये बात क्लियर हो चुका था कि हम जो भी एक्ट ला रहे हैं ये ग्राउंड लेवल पे हमें भारत में ही लागू करना है, और भारत में इस एक्ट का अच्छा इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है यानी असफल सिद्ध हो जा रहा है। तो इसे सफल कैसे सिद्ध किया जाए, तो इन्होंने एक अच्छा तरीका ढूंढ लिया। तरीका इन्होंने ये ढूंढा कि सबसे पहला चीज ये है कि भारतीय लोगों को भी एक्ट में यानी विधेयक में जो हम अधिनियम पास कर रहे हैं इसमें भारतीयों को भी शामिल कर दिया जाए। अब जरा सोचिए, भारतीय भी अगर शामिल हो जाएंगे तो भारतीय इसकी कमियों को देखेंगे। दिमाग सही था इनका, और इस चीज को करके इन्होंने इस बात को प्रावधान को आगे प्रोसेस को बढ़ाया। इसी प्रोसेस बढ़ाने के दौर में ब्रिटेन के जो सचिव बनाए, जो भारत सचिव बनाए गए थे ब्रिटेन में रहा करते थे, मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार का एक घोषणा पत्र, उन्होंने प्रस्ताव को घोषित किया, और उस प्रस्ताव में यह बात कह दिया गया था कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। एक तरह भारत को डोमिनियन स्टेट दर्जा देने की बात सर्वप्रथम पहली बार किया गया कि वर्ल्ड वॉर समाप्त होगा आपको हम दर्जा दे देंगे। इस बात को लेकर के मॉन्टेग्यू भारत आए, और भारत मॉन्टेग्यू आए और उस समय भारत के वायसराय बनाए गए थे चेम्सफोर्ड। सचिव मॉन्टेग्यू भारत आए और वायसराय बनाए गए थे चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड के साथ और भारत के वरिष्ठ या अन्य जितने भी नेता थे उनके साथ बैठ करके शिमला में इन लोगों ने सम्मेलन किया, मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड और भारतीय नेता। और यह सम्मेलन जुलाई 1918 में किया गया।
इस सम्मेलन के माध्यम से जो प्रस्ताव इन्होंने पास किया, एक एक्ट पास किया, इसी एक्ट को भारत शासन अधिनियम 1919 कहा जाता है। और इस एक्ट में कहीं ना कहीं प्रभाव था सचिव मॉन्टेग्यू का और वायसराय चेम्सफोर्ड का, तो इसीलिए इस एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो 1919 का अधिनियम अगर आपसे कभी पूछा जाए तो 1919 का अधिनियम भी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम इसी को पढ़ेंगे और इसी के लेकर के समझेंगे, ठीक है। तो जो भारत शासन अधिनियम आया था इसे एक और नाम दिया गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड लाने का जो व्यवस्था था आपने समझा कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र लागू कर देना, कहीं कहीं उसमें भी कुछ ज्यादा सफलता नहीं, कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग का एक साथ आ जाना, मेसोपोटामिया आयोग और भारतीयों का सहयोग लेने के लिए सबसे पहले मॉन्टेग्यू जो से उन्होंने ही एक प्रस्ताव को ब्रिटेन सरकार का प्रस्ताव इन्होंने पढ़ा था। तो ये प्रस्ताव इन्होंने पढ़ा था 20 अगस्त को, 20 अगस्त 1917 को। और इस प्रस्ताव को घोषणा के माध्यम से ये कहा गया कि भारतीयों को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, भारत को डोमिनियन स्टेट की दर्जा देने की बात इसमें किया गया था। इसी बात को लेकर के मॉन्टेग्यू भारत आए थे, क्योंकि ये जो देने की बात की गई थी या ब्रिटेन सरकार के प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। तो मॉन्टेग्यू भारत आए और भारत आने के बाद इन्होंने सबसे पहले जिससे मुलाकात किया वो व्यक्ति थे चेम्सफोर्ड। तो भारत आकर के ये चेम्सफोर्ड से मुलाकात किए और चेम्सफोर्ड के साथ साथ भारतीय नेताओं से, भारतीय नेता से, और ये सारे के सारे लोग यानी चेम्सफोर्ड और भारतीय नेता ये मिलकर के एक सम्मेलन किया इन्होंने, सभी लोग मिलकर के, और ये सम्मेलन किया था इन्होंने शिमला में। तो इसे शिमला क्वाड या शिमला सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। या अब इसको शिमला समझौता के नाम से भी जाना जाता है। और ये किया गया था जुलाई 1918। और इसी सम्मेलन के माध्यम से जो एक्ट पास हुआ उस एक्ट को कहा जाता है एक्ट 1919 का अधिनियम। तो ये वही अधिनियम है जिस अधिनियम के बारे में आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा इनका कॉन्सेप्ट था कि भारतीयों को सेकंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल करने के लिए एक बड़ा अच्छा तरीका इन्होंने ढूंढा था कि कहीं कहीं अब कोई भी एक्ट पास किया जाए तो भारतीयों की अनुमति को ले लिया जाए। इस एक्ट के माध्यम से काफी विस्तृत और बड़ा अधिनियम था ये। इस एक्ट के माध्यम से जो सबसे इंपॉर्टेंट काम ये किया गया कि जो भारत सचिव हुआ करता, एक तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहां पर अब भारतीयों को या भारतीय नेताओं को शामिल करने की बात हो रही है, यानी कि अब भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जा रही है, यानी उत्तरदायी शासन व्यवस्था लागू किया जा रहा है, उत्तरदायी शासन मतलब कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जो शासन व्यवस्था जवाबदेह हो, यानी अगर जरूरत पड़े तो फीडबैक दे। तो ये इस अधिनियम के माध्यम से आप कह सकते हैं। इस अधिनियम के माध्यम से जो सबसे इंपॉर्टेंट काम था वास्तव में वो भारत सचिव के संबंध में किया गया।
आपको पता है कि भारत सचिव जिस परिषद में रहा करता था उसे भारत परिषद कहा जाता है। भारत परिषद में एक व्यक्ति को कहा गया कि सचिव की सहायता के लिए, यानी इस सचिव की सहायता के लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति किया जाए और वो कोई और नहीं हो बल्कि हाई कमिश्नर नियुक्त किया जाए। और ये हाई कमिश्नर किसकी सहायता करेंगे? भारत सचिव की। भारत परिषद में इनकी भी नियुक्ति कर दी गई, यानी अब भारत परिषद में सदस्यों के साथ साथ हाई कमिश्नर के एक पोस्ट का भी नियुक्ति कर दिया गया और वो भारत सचिव नियुक्त किया। अब ये भारत सचिव का जो वेतन था, इस वेतन के संबंध में आपको बताया गया था कि भारत सचिव का कुल वेतन या भत्ते भारत के कंसोलिडेटेड फंड यानी भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, लेकिन 1919 के अधिनियम के माध्यम से भारत सचिव के वेतन को अब ये कह दिया गया कि ब्रिटेन की राजस्व से दिया जाएगा, तो ब्रिटिश राजस्व से देने की बात किया गया। तो भारत सचिव का जो भी वेतन होगा उस वेतन को अब कहां से दिया जाएगा? तो वो वेतन दिया जाएगा ब्रिटेन के राजस्व के माध्यम से। इस एक्ट के माध्यम से एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम किया गया था। इसके पूर्व वाले में आपने देखा था 1892 के अधिनियम के माध्यम से कि पहली बार अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन पद्धति को लागू किया गया, यानी पहली बार मत देने का अधिकार मिला, लेकिन वो इनडायरेक्ट मत देने का अधिकार मिला था, लेकिन इस एक्ट के माध्यम से पहली बार प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन या मत देने का अधिकार मिला। और तो अगर आपसे कभी पूछा जाए तो किस एक्ट के माध्यम से प्रथम बार या सर्वप्रथम प्रत्यक्ष निर्वाचन का अधिकार मिला? कराया गया। लेकिन अगर प्रत्यक्ष निर्वाचन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस अधिनियम के माध्यम से ही पहली बार महिलाओं को भी मत देने का अधिकार दिया था। तो ये भी एक सर्वप्रथम बार था कि सर्वप्रथम महिलाओं को भी मत देने का अधिकार मिला। ये काफी इंपॉर्टेंट अधिकार था। इसके पहले महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं हुआ करता था। अब ये हो गया कि महिलाएं भी अधिकार देंगी मत देने का। लेकिन कमाल की बात ये थी कि इस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों को मत देने का तो प्रत्यक्ष रूप से अधिकार मिला ही, लेकिन कुल 8% भारतीय ही मत दे पाए। लेकिन कागज में लिखा यह गया कि इस अधिनियम के माध्यम से कुल 10% भारतीय मत दिए थे। हालांकि अगर आप वास्तव में अगर देखें तो 8% भारतीय ही मत दिए थे। अब आपके मन में ये हो रहा होगा कि 8% भारतीय मत दिए थे, खैर उन्होंने इसको करके 10% लिखित रूप से लिखा कि 10% भारतीयों ने इस एक्ट के माध्यम से मत दिया था। लेकिन अगर वास्तविकता को देखें या आपके मन में एक क्वेश्चन यहां पर बनना चाहिए कि क्यों इतने कम प्रतिशत भारतीयों को ही मत देने का अधिकार मिला। दरअसल हुआ क्या, इतने कम प्रतिशत भारतीयों के मत देने का जो प्रावधान था भारत में, अगर हम देखें तो उस समय लिटरेसी सोचिए क्या स्थिति रही होगी। आज भी हम 100% लिटरेसी में नहीं पहुंच पाए हैं। भारत में अगर उस समय जो शिक्षित हुआ करते थे, जिनके पास अत्यधिक संपत्ति हुआ करता था, या जो टैक्स पेई होते थे, या जो कर अदा करते थे, सिर्फ उन्हें ही मत देने का अधिकार मिला हुआ था। तो वो कौन कौन से व्यक्ति थे जो मत दिए थे? तो मत देने का जो अधिकार था, एक तो आपके पास संपत्ति होना चाहिए। अगर अधिक संपत्ति है तभी आप मत दे सकते हैं। दूसरा प्रावधान कि आप शिक्षा ग्रहण किया हो, आपने शिक्षित हो, और तीसरा आप टैक्स पे हो, यानी आप टैक्स भरते हो। भारत में आज कितने लोग टैक्स भरते हैं सोचिए, उस समय कितने लोग भरते होंगे और कितने लोग एजुकेटेड रहे होंगे। संपत्ति की तो बात ही अलग है। तो अब उसके आधार पर तो ऐसे कुछ ही लोग मिल पाए, कुलीन लोग जिसको
मत देने का अधिकार मिला और भारत के मात्र 10% भारतीय ही इस एक्ट के माध्यम से मत दे पाए थे। इसके साथ साथ एक सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र का जो मुद्दा चला आ रहा था कि मुस्लिमों को सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया, उस सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र का इस अधिनियम के माध्यम से काफी विस्तार किया गया। तो इस अधिनियम के माध्यम से सांप्रदायिक क्षेत्र का विस्तार किया गया। और विस्तार इस तरह से किया गया कि सिखों को भी यह अधिकार मिल गया कि अब सिख भी सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र के तहत आ गए, ईसाई आ गए, आंग्ल भारतीय आ गए और यूरोपीय लोगों को यह अधिकार मिल गया। तो इस तरह से सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र का काफी इस एक्ट के माध्यम से विस्तार किया गया। यहां तक कि जो भारत परिषद बनाया गया था जिसमें भारत सचिव रहा करता था, ये परिषद में शामिल किया गया था इनको। इसमें कुल 6 सदस्यों को शामिल कर दिया गया था, लेकिन इस एक्ट के माध्यम से यह कहा गया कि भारत परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम 8 रखी जाएगी और अधिक से अधिक 12 की जा सकती है। तो मिनिमम और मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो मिनिमम 8 सदस्य हो सकते हैं और मैक्सिमम इसमें 12 सदस्य हो सकते हैं। तो ये मैक्सिमम की बात की गई कि अब भारत परिषद में इतने सदस्य हो सकते हैं और एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी जो भारत सचिव का क्या कर सके, हेल्प कर सके। इस अधिनियम के माध्यम से, यानी भारत परिषद अधिनियम 1919 के माध्यम से, जो केंद्रीय सदन हुआ करता था या आप कह सकते हैं जो केंद्रीय विधान परिषद हुआ करता था, केंद्रीय विधान परिषद को 2 सदनों में बांट दिया गया। जैसे आज का संसद है जो विधि बनाता है पूरे राष्ट्र के लिए, उसी तरीके से उस समय केंद्रीय विधान परिषद होता था। तो संसद के आज 2 सदन है, राज्यसभा लोकसभा। उसी तरीके से पहली बार 1919 के अधिनियम के माध्यम से जो केंद्रीय विधान परिषद था उसको द्विसदनीय कर दिया गया। और द्विसदनीय जैसे लोकसभा राज्यसभा आज का है, तो वहां पे भी ऐसा परिवर्तन किया गया। तो किस एक्ट के माध्यम से किया गया ये काम, तो केंद्रीय विधान परिषद का, केंद्रीय विधान परिषद इसको द्विसदनात्मक कर दिया गया। सदनात्मक का मतलब कि 2 सदनों में इसे डिवाइड कर दिया गया। सदन में इस तरह से डिवाइड किया गया था, एक उच्च सदन एक निम्न सदन। वास्तव में अगर आप भारतीय संविधान के मूल संविधान को अगर देखें तो कहीं भी भारतीय संविधान में उच्च सदन और निम्न सदन का प्रस्ताव नहीं रखा गया है। दरअसल बात क्या है, ये ब्रिटेन की बात है, तो वहां पर हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इस बात को लेकर विरोधाभास था। तो इस तरह से वहां पर यह व्यवस्था था और वहां पे वो उच्च नीच लेते थे और ये कहीं ना कहीं एक कहने के लिए बन गया है, लेकिन कहीं भी उच्चतम और निम्न की बात नहीं है। जैसे आज का राज्यसभा है उसी तरीके से एक परिषद बनाया गया, राज परिषद, आप कह सकते हैं राज्य परिषद। हाँ, एक सदन बनाया गया राज्य परिषद और दूसरा सदन बनाया गया विधान परिषद, विधानसभा। तो 2 सदन बना दिए गए, एक राज्य परिषद और एक विधानसभा। यानी राज्य परिषद जैसे कि आज समझने के लिए इसे राज्यसभा है जिसे हम उच्च सदन कहते हैं, जिसे ये लोकसभा है यानी विधानसभा, यानी लोकसभा की तरह ही काम करता था, इसका निर्वाचन प्रत्यक्ष कराया जाता था। अब इसमें क्या था कि इनका जो कार्यकाल था, कार्यकाल में भी काफी परिवर्तन किया गया। जो राज्य परिषद होता था इसके कार्यकाल को कहा गया कि ये 5 वर्ष का कार्यकाल होगा और इनका जो कार्यकाल होगा वो मात्र 3 वर्ष का। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा, ऐसा व्यवस्था किया गया। इनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होगा, ऐसी व्यवस्था किया गया। राज्य परिषद में जो सदस्य होंगे उन सदस्यों की संख्या 60 रखी गई, कि कुल सदस्य 60 रखे गए
और इन कुल 60 सदस्यों में यह प्रावधान किया गया कि इसमें से जो 34 सदस्य होंगे, 34 सदस्य, इनका तो निर्वाचन किया जाएगा, इलेक्शन के आधार पर इन्हें चुना जाएगा, बाकी बचे जितने भी शेष सदस्य हैं इन सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा। तो कुल 60 सदस्य रखने का प्रावधान रखा गया राज्य परिषद में, उच्च सदन में, जिसमें से 34 सदस्य निर्वाचित होंगे, बाकी जितने शेष सदस्य बचेंगे उन सदस्यों के लिए यह प्रावधान रखा गया कि इन्हें मनोनीत कर दिया जाएगा। अगर हम विधान सभा की बात करें तो विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई 145। कहा गया कि विधानसभा में कुल सदस्य होंगे 145 और उस 145 में से यह बात क्लियर कर दिया गया कि 104 सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे और बाकी बचे शेष सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। तो आपने इसको समझा कि जो केंद्रीय विधानसभा था उसको द्वि सदनात्मक मतलब दो सदनों वाली व्यवस्था कर दिया गया। इसके पूर्व मात्र एक ही सदन हुआ करता था। इसके साथ साथ एक और काम किया गया कि जो प्रांत थे प्रांतों में भी दोहरा शासन लगा दिया गया। ये द्वि सदनात्मक है, यानी जो संसद इसका दो भाग होता है वहां पर प्रांतों में दोहरा शासन लगा दिया। अब प्रांतों में दोहरा शासन का मतलब क्या है इसको आप समझें। तो प्रांतों में द्वैत शासन लगा दिया गया, द्वैत शासन। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि किस एक्ट के माध्यम से प्रांतों में दोहरा शासन लगाया गया तो 1919 से अधिनियम के माध्यम से प्रांतों में दोहरा शासन लागू कर दिया गया। अगर आप समझे कि वास्तव में दोहरा शासन होता क्या है, दोहरा शासन का मतलब यह होता है कि एक सब्जेक्ट सुरक्षित सब्जेक्ट यानी रिजर्व सब्जेक्ट रखा गया और दूसरा सब्जेक्ट इसमें रखा गया हस्तांतरित सब्जेक्ट। इसका मेन एक ही कॉन्सेप्ट है कि केंद्र और प्रांतिक के जो सब्जेक्ट है यानी विषय है इन दोनों को अलग रखा देना, यानी केंद्र और प्रांत के विषय को अलग करना, केंद्र प्लस या केंद्र या प्रांत इन दोनों के जो भी सब्जेक्ट है इसको अलग करना। अलग करने का मतलब कैसे है कि मान लीजिए कि जो प्रांत के सब्जेक्ट हैं, पहले तो ये अलग हो गया केंद्र से, अब ये प्रांतों में दोहरा शासन लगाया गया है। प्रांतों में दोहरा शासन एक होता था सुरक्षित विषय और दूसरा लागू किया गया हस्तांतरित विषय, या आप कह सकते हैं स्थानांतरित विषय भी कह सकते हैं। हस्तांतरित विषय, सुरक्षित विषय में एक गवर्नर जनरल होता था, गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल के साथ साथ जो गवर्नर जनरल का ये जो परिषद हुआ करता था, नहीं सॉरी ये परिषद नहीं, यहां पे नहीं है, तो जो गवर्नर जनरल होता था यानी वायसराय, उस वायसराय का जो परिषद होता था उस परिषद के सदस्य हुआ करते थे यानी परिषद के लोग, और इन लोगों को मिला करके इन्हें सुरक्षित सब्जेक्ट दे दिया जाता था विषय जिस पर ये कानून बना सके। दूसरा जो व्यवस्था था, और हाँ पहले इसको तो आप समझ लीजिए कि गवर्नर जनरल और जो परिषद होता था इन लोगों को जो विषय प्रदान किए गए थे उसमें ये कहा गया था कि जो गवर्नर जनरल होगा और परिषद के लोग होंगे इन्हीं लोगों के अकॉर्डिंग सुरक्षित सब्जेक्टों पर कानून बनाया जाएगा। और वो कौन कौन से कानून थे अगर हम देखें तो पहला कानून तो यह था कि राजस्व था, राजस्व का इनको मुद्दा मिल चुका था, वित्त का मुद्दा मिल चुका था, तो राजस्व वित्त पुलिस ये काफी इंपॉर्टेंट जो भी थे वो सुरक्षित विषय के तहत इन्हें प्राप्त हो गए थे, यहां तक कि न्याय को भी इन्हें दे दिया गया था। दूसरा हस्तांतरित विषय या ट्रांसफर सब्जेक्ट, पहला रिजर्व सब्जेक्ट, दूसरा रिजर्व, दूसरा ट्रांसफर सब्जेक्ट। ट्रांसफर सब्जेक्ट में यह था कि एक तो गवर्नर जनरल रहेगा इसमें, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि कौन व्यक्ति दोनों में रहा करता था तो गवर्नर जनरल,
यानी आप कह सकते हैं, अभी आगे हम समझेंगे इसे, कि गवर्नर जनरल और भारतीय मंत्री हुआ करते थे, भारतीय मंत्रियों के द्वारा और गवर्नर जनरल के द्वारा एक परिषद बनाया गया था जिसे हस्तांतरित भी किया गया। और ये लोग इसमें गवर्नर जनरल यानी कह सकते हैं कि जो गवर्नर जनरल होता था वही भारतीय मंत्रियों की नियुक्ति करता था काउंसिल में, और इसके माध्यम से ये कानून बनाता था। एक व्यक्ति था जो दोनों में राय करता था, वो कौन था? गवर्नर जनरल। और इन्हें जो सब्जेक्ट प्राप्त हुए थे जैसे स्थानीय स्वशासन, काफी इंपॉर्टेंट था, स्थानीय स्वशासन के साथ साथ शिक्षा, शिक्षा के बाद स्वास्थ्य, तो ऐसे जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो इनको भी प्राप्त हो गया था। अब यहां आपको समझना यह है कि जो गवर्नर जनरल है उस काउंसिल का भी आप कह सकते हैं कि उसका भी द्वैत शासन लगा दिया गया, यानी उसको भी दो भागों में बांट दिया गया। गवर्नर जनरल का एक काउंसिल हुआ करता था जिसके माध्यम से वो कानून को निर्माण किया करता था। अब गवर्नर जनरल और उसका परिषद सुरक्षित सब्जेक्ट के तहत कानून बना रहे हैं, ये एक काउंसिल हो गया। दूसरा काउंसिल ये देख रहे हैं कि गवर्नर जनरल और भारतीय मंत्री, तो गवर्नर जनरल के परिषद का भी कहीं कहीं अभी परिषद के अंग हो गया ना भारतीय परिषद, भारतीय मंत्री, अब वो भी कानून का निर्माण कर रहा है। भले ही वो हस्तांतरित विषय यानी ट्रांसफर सब्जेक्ट को कारण बना रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इसके भी अंग हो गए, तो गवर्नर जनरल के परिषद को भी कहीं कहीं द्वारा शासन लागू कर दिया गया, यानी द्वैत शासन लागू कर दिया गया। ये जो द्वैत शासन लागू किया गया, वास्तव में इस द्वैत शासन को इम्प्लीमेंशन किया गया 1 अप्रैल 1921 को। इस द्वारे शासन को लागू किया गया 1 अप्रैल 1921 को, और भारत के तमाम सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्षेत्रों में इस बात को लागू किया गया था। वो क्षेत्र कौन कौन थे अगर आप समझें? ये भारत का मैप है, ठीक है। तो द्वारा शासन जो लागू किया गया था, पहले तो आप समझिए कि बंगाल का जो क्षेत्र था, बंगाल में द्वारा शासन लागू कर दिया गया इसी एक्ट के माध्यम से, एक हो गया बंगाल। बंगाल के साथ साथ ये जो यहां पर उत्तर प्रदेश आज का है यानी संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत, यहां पर भी द्वारा शासन लगा दिया गया, यानी बंगाल संयुक्त प्रांत। पंजाब, ये जो पंजाब का क्षेत्र है, पंजाब, पंजाब के साथ साथ ये जो मध्य प्रांत का क्षेत्र है, मध्य प्रांत, यहां पे लागू कर दिया गया। असम यहां पर है, असम में भी द्वारा शासन लागू कर दिया गया। तो ये सब 1919 के अधिनियम के माध्यम से लागू किया जा रहा है। मध्य प्रांत, असम, मद्रास के क्षेत्रों में लागू कर दिया गया, बंबई के क्षेत्रों में लागू कर दिया गया, मद्रास में भी लागू किया गया इसे, मद्रास में, यहां पर बंबई में भी लागू कर दिया गया, बंबई में भी लागू कर दिया गया। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो बर्मा के क्षेत्रों में और नॉर्थ वेस्ट का जो जो क्षेत्र था प्रोविंसियल, वहां पर भी इस क्षेत्र को लागू कर दिया गया। असम में तो लागू कर दिया गया, उड़ीसा के क्षेत्र में भी लागू कर दिया गया था, यहां पर उड़ीसा था, उड़ीसा यहां पे लागू कर दिया गया था। ये जो बर्मा का क्षेत्र था यहां पे भी बाद में लागू किया गया, बर्मा के क्षेत्रों में नॉर्थ वेस्ट का जो क्षेत्र था यहां पे भी बाद में लागू किया गया। अगर आप देखें तो 1923 में और 1932 में, तो बर्मा में 1923 में लागू किया गया और यहां पर 1932 में इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया नॉर्थ वेस्ट। तो आप कह सकते हैं कि 1 अप्रैल 1921 को प्रांतों में भी द्वारा शासन लगा दिया गया, और मतलब लागू तो कर दिया गया इस एक्ट के माध्यम से, लेकिन इसको इंप्लीमेंटेशन किया गया 1 अप्रैल 1921 के माध्यम से। इस एक्ट के माध्यम से लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, तो इसी एक्ट के माध्यम से लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, लोक सेवा
आयोग, पीएससी जो है पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका गठन किया गया। तो इस एक्ट के माध्यम से यह गठन किया गया था। यहां तक कि भारत सचिव जो हुआ करते थे इनको एक नियुक्ति का अधिकार और दे दिया गया, यानी महालेखा परीक्षक का भी अधिकार दे दिया गया कि महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकते हैं, महालेखा परीक्षक। तो भारत सचिव को महालेखा परीक्षक का नियुक्ति कर दिया गया। एक बजट होता था जो पूरे संपूर्ण भारत के लिए लागू किया जाएगा, इस बात की चर्चा किया जा चुका था। और इसी एक्ट के माध्यम से यह किया गया कि वो जो बजट है वो अब प्रांतों के लिए अलग से बजट होगा, केंद्र के लिए अलग से लागू किया जाएगा। तो इस एक्ट के माध्यम से किया गया, यानी जो बजट था बजट को दो भागों में बांट दिया गया। कहा गया बजट के सेंस में कि अब जो बजट आएगा वो बजट अब केवल केंद्र के लिए अलग बजट रहेगा और राज्य के लिए अलग से बजट होगा। यानी कोई एक ऐसा बजट नहीं होगा जिस बजट के माध्यम से इन सबके लिए अलग होगा। यानी आज का जिस तरह से बजट है, राज्यों के लिए अलग से बजट निकाला जाता है, केंद्र का अलग बजट आता है केंद्र सरकार का। तो ये किस एक्ट के माध्यम से किया गया? तो 1919 के अधिनियम के माध्यम से ये काम किया गया। अगर आप देखें तो ये सारी चीजें होने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट व्यवस्था इस अधिनियम से, यानी जो आपने पहला लाइन में आपने देखा था कि उत्तरदायी शासन व्यवस्था को लागू किया गया, क्या था उत्तरदायी शासन व्यवस्था को? आप इस सेंस में भी समझ सकते हैं कि इसी एक्ट के माध्यम से एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, यानी एक विधि वैधानिक आयोग गठन किया गया। और उस वैधानिक आयोग में यह कहा गया कि ये जो भी एक्ट आया है इस एक्ट का शासन या भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है 10 वर्ष के बाद इसका हमें फीडबैक चाहिए, और ये जो वैधानिक आयोग होगा इसका रिपोर्ट तैयार करेगा और उसी रिपोर्ट के आधार पर हम इसे समझेंगे कि वास्तव में क्या इस एक्ट का जो प्रयोग हम इस ग्राउंड लेवल पे कर रहे हैं क्या इसका सच में आम जनता इससे प्रसन्न है कि नहीं प्रसन्न है। तो एक वैधानिक आयोग आएगा, इसके बाद इस बात की चर्चा की गई और ये कहा गया कि ये जो वैधानिक आयोग आएगा वो 10 वर्ष के बाद आएगा। तो आपने आज 1919 के अधिनियम को देखा, समझा, ठीक है। इस अधिनियम के बाद अब हम साइमन कमीशन के बात पढ़ेंगे, यानी जो वैधानिक आयोग था उसके रिपोर्ट को अब हम समझेंगे जो इसी आयोग के माध्यम से कहा गया कि एक वैधानिक आयोग रहेगा, ठीक है। तो आज आप लोगों को कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।